जय योगेश्वर। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता प्रथम अध्याय छठा दिवस इस अध्याय का अभ्यास करते हुए और आज श्लोक प्रथम अध्याय 23वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। युद्ध भूमि का वर्णन, संजय को धृतराष्ट्र का प्रश्न और युद्ध भूमि में शंख ध्वनि भी हो चुकी है। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ लेकर भगवान संकेत कुछ सांकेतिक वाणी से गीता के बीज इन श्लोक की भाषा पर से और अर्जुन के वचन पर से श्लोकबद्ध अर्जुन के मन में ये विषाद खड़ा हुआ उसका वर्णन है। आज इस अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग। तो सर्वप्रथम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साथ हुए, साथ में भगवद गीता का आगे रखा हुआ है, साथ में हम पठन करते जाएंगे। प्रथम जगत गुरु को नमस्कार करना है और अपने गुरु जो गोविंद का रास्ता हमें दिखाया हुआ उनको भी नमस्कार करना है और 23वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 23, 24, 25, 26 चार श्लोक का पठन प्रथम करेंगे और अभ्यास भावार्थ समझने का प्रयत्न इस संदिग्ध अत्यंत गोपनीय भाषा के द्वारा मेरे जीवन को कैसे गढ़ना है ये सूचना हमारा अभ्यास कम रहेगा। तो प्रथम आरंभ करेंगे विधि। वसुतन देवं कंस चणु रमर्दनम्। देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेईसवां श्लोक पिछली बार कर चुके हैं तो 24, 25, 26 और 27वां श्लोक यहाँ तक प्रसंग आएंगे।
क्योंकि गीता गाने भी इतनी आवश्यक है, हमारी वाणी पवित्र हो जाए, हमारे कान पवित्र हो जाए, और जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ का वातावरण दैवी वातावरण खड़ा हो जाए। इसलिए गीता के शब्द, एक एक शब्द हमारे मुख से निकल जाए, वही सत्य का वर्णन है। ये गीता का ग्रंथ सत्य का ग्रंथ है ये, इसलिए तो कोर्ट रूम में जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। इस सत्य बोलने की आदत और सत्य के शब्द हमारी जीभ पर आ जाए तो हमारी जीभ भी पवित्र सत्य की आदत पड़ जाएगी। तो आज शुरू करेंगे 24वां श्लोक संजय उवाच से है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशे न भारत सेनयो रुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृ न च पितामहः आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् प्रथम अध्याय गीता की शुरुआत ही विषाद से शुरू होती है। हमारे जीवन में भी विषाद भरा हुआ है, हम भी रोते ही हैं भगवान के सामने, जब जाते हैं रोने के लिए ही जाते हैं, कुछ नहीं मिला है इसकी शिकायत है ये। ऐसे अर्जुन, लेकिन अर्जुन का रोना कुछ भिन्न था, वह आगे अध्याय इस अध्याय के समाप्त होने तक अर्जुन की समस्या कुछ भिन्न थी। सामाजिक सेवक, सोशल वर्कर की भूमिका में अर्जुन है। तो धीरे धीरे हमारा अभ्यासक्रम आगे लेकर देखें, अर्जुन के वचन के द्वारा बहुत सुंदर वर्णन है। तो प्रथम आज का श्लोक, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरु भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। गुणाकेश का भी अर्थ पिछली बार देख रहे थे हम लोग। गुणाकेश के दो अर्थ, प्रथम ट्रांसलेशन गुणाकेश का अर्थ घुंघराले मुड़े हुए बाल,
केक गुड़ा गुड़ा कांच मुड़े हुए घुंघरा ले केश वाला अर्जुन आज ये कई जगह आर्टिफिशियल घुंघराले बाल करवाने जाते हैं फीस देकर शोभित है वह तो गुड़ा केश न भारत अर्जुन के बाल घुंघराले थे और दूसरा महत्व का अर्थ निद्रा पर विजय गुड़ाकेश शब्द निद्रा पर जिसने विजय प्राप्त कर ली सजाग है जो सावधान है प्रत्येक क्षण वह अर्जुन जो रामायण में लक्ष्मण की भूमिका थी गुड़ाकेश निद्रा पर विजय। पिछली बार का थोड़ा रिकैप कर ले तो आज ये शब्द में भरा हुआ अर्थ हमारे जीवन के साथ सुगंध भर देगा वह। लेकिन भगवान यहाँ पर एवं उक्तो ऐसा कहकर गुड़ाकेश अर्जुन द्वारा इस प्रकार उक्त कहे हुए ऋषिकेश यहाँ पर ऋषिकेश शब्द संजय तीन बार इस्तेमाल किया हुआ बार बार धृतराष्ट्र को कह रहे हैं ऋषिकेश है ये कृष्ण जो है वो ऋषिकेश ऋषिकेश के भी बहुत सुंदर अर्थ है। ऋषि का अर्थ इंद्रियां एश का अर्थ शोभा इंद्रियों को संभालने वाला इंद्रियों की शोभा तब तक है जब तक ये ईश्वरीय तत्व हमारे भीतर है वो अलग हो गया सभी इंद्रिया की शोभा समाप्त हो जाएगी शरीर को छुएगा नहीं हाथ मत लगाओ नहाना पड़ेगा ये शब्द इसलिए सावधान कर रहे हैं धृतराष्ट्र को अभी युद्ध प्रारंभ होने की तैयारी है कह रहे ये ऋषिकेश सामने पक्ष में ख्याल रखो हमारे सभी की इंद्रियों की शोभा जब तक वो है तब तक है उसके सामने युद्ध करने जा रहे हैं और धृतराष्ट्र को सावधान कर रहे हैं इनके सामने युद्ध करना उचित नहीं है। मिनिस्टर से संजय और अपने राजा वन मैन रूल था उस समय ऑटोक्रेसी राजा का वाक्य अंतिम नो अपील उसको कैसे समझाना ये संजय कह रहे ऋषिकेश एवं उक्तो ऋषिकेश उभयोर दोनों अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले लीजिए उसके भी कारण हम पिछली बार देख चुके हैं उसके भी कई कारण थे उसमें भगवान ने भी वहां पर दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया कौरव पक्ष और पांडव पक्ष चौड़ाई में भी मिडवे और दोनों सेनाओं के बीच में जो दूरी थी उसके भी बीच में रथ खड़ा कर दिया एवं मुक्तो ऋषिकेश गुड़ाकेश न भारत सेनयोरु भयोर मध्य दोनों सेनाओं के बीच में और कहाँ खड़ा किया हुआ भीष्म द्रोण प्रमुखतः यहाँ पर संकेत है भगवान ने भी वहां पर अर्जुन का जब वह स्थिति रिश्ते में आ जाती है तब भगवान को जैसे आज्ञा देता है वैसे आज्ञा दी मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए भगवान और भगवान ने भी इस अर्जुन के कहने पर ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया यहां पर गीता के बीज गीता की शुरुआत करनी है शंख ध्वनि के बाद एक ही विधि युद्ध भूमि में बाकी रहती है वह था अर्जुन का अंतिम वाक्य ऑर्डर आक्रमण और महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाए गीता को कैसे बीच में लाना और कृष्ण
अवतार, मनुष्य अवतार के साथ ये बहुत ही महत्व का, पूरे विश्व मानव मात्र को मनुष्य जीवन का मूल्य समझाना था, इसलिए तो बहुत सर्वभूत हिते रता हा, बारवा अध्याय, पूरे विश्व के मानव के कल्याण के लिए ये ग्रंथ के बीज वहां से शुरू होते हैं। अर्जुन के मन में भी पहले शब्द आए हुए हैं, ये चार पांच संकेत है। ये प्रथम संकेत कपित ध्वज, अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा जो थी उस पर कपित ध्वज हनुमान का चित्र। हनुमान मन के देवता है, मन चंचल चलता ही रहता है, तो चंचलता आ गई है। दूसरा शब्द अर्जुन के मुख से निकला हुआ अच्युत, अच्युत का अर्थ मैं जो निश्चय करके आया था वह निर्णय में अभी मुझे कुछ शंका खड़ी हो रही है, आई वॉन्ट टू चेंज माई डिसीजन, इसलिए अच्युत मैं विचलित हो गया हूं, इसलिए अच्युत भगवान को कहा आप मुझे संभालिए, अच्युत कृष्ण को यह संबोधन किया हुआ है। तीसरा महत्व के बीज सेनयोरु भयोर मध्य, अभी क्या देखना था, किसको देखना था, दोनों सेनाओं के बीच में मुझे देखना, क्या देखना है? भीतर अर्जुन के मन में मस्तिष्क में कुछ विचार चल रहे हैं। धनुष बाण उठा लिया हुआ था जैसे शंख ध्वनि पूरी हुई, लेकिन कुछ विचार भीतर में कायरता के विचार उत्पन्न हो गए हुए। ये तीसरा संकेत, और भगवान भी साथ में ये मोह जागृत करने की प्रक्रिया में भगवान भी वहां पर कुरु नपश्य भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वे साहित्य महिक्षिताम वाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुन इति, खड़ा कर दिया। तुझे शत्रु पक्ष को देखना है तो शत्रु पक्ष में सामने प्रथम देख तू भीष्म और द्रोण। कृष्ण बहुत ही भीतर के भाव से परिचित थे, अर्जुन को विशेष लगाव था द्रोणाचार्य अपने गुरु पर और भीष्म पितामह, बाण विद्या सीखी हुई जिनकी गोद में अर्जुन बैठा हुआ वह भीष्म पितामह, इसलिए दोनों सेनाओं के बीच में रख दिया हुआ। तो ये शत्रु सेना देखनी है तो ये भीष्म और द्रोण के सामने रख दिया, ये दोनों भी तेरे शत्रु पक्ष में है, ये मोह जागृत हो गया। ये बहुत सुंदरी संकेत कौरव वंश, दूसरा भीष्म द्रोण प्रमुखता, मुख्य भीष्म और द्रोण है, सर्वे साहिजय महिक्षिताम और अन्य भी सभी राजा महिक राज्य करने वाले राजा जिसके हाथ में भूमि है, वह उवाच पार्थ पश्येतान ऐसे वचन के कहे हुए हैं, ये देखकर समवेतान गुरु नीति इन इकट्ठे हुए, समवेतान का इकट्ठे हुए, इन इकट्ठे हुए कुरुन पश्य, अभी कुरुन पश्य के दो अर्थ है, कुरुन पश्य का एक अर्थ कुरुवंश और दूसरा अर्थ कौरव, ये कौरव को देख भीष्म और द्रोण, ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह यदि कौरव पक्ष में न होते तो ये महाभारत का युद्ध होना संभव नहीं था, ये भी कौरव है तेरे शत्रु पक्ष में है, तो ये देखना है इनको भी देख ले तू, अर्जुन ने कहा हुआ तो मुझे देखना है अंतिम बार देख लो, वह भूमिका यहाँ कुरुन कौरवों को देख, वहां पर अर्जुन दोनों पक्ष के योद्धाओं को देख रहा है जिसके कारण वहां पर मोह खड़ा हुआ है। अभी तक शत्रु पक्ष और मेरा पक्ष दो पक्ष थे, ऑपोजिशन एंड रूलिंग, अभी दो पक्ष में अर्जुन को दो पक्ष में भी अपने दिखाई देने लग गए, और जो सामने शत्रु दिखने चाहिए उस जगह अर्जुन को कुछ दूसरा ही रिश्ता दिख रहा। तत्रा पश्यत सितान पार्थ, उसके उपरांत पृथापुत्र अर्जुन ने उभयो
दोनों ही सेनाओं में स्थितान, दोनों ही सेनाओं में स्थित, दोनों सेनाओं में कुरु वंश को ही देख रहा है अर्जुन। ये अर्जुन और धृतराष्ट्र की भूमिका में कितना अंतर है स्पष्ट हो जाएगा। पहले इस श्लोक में प्रथम अध्याय में धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय समवेतान मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडव ये दो भीतर में मन में भेद है, मेरे पुत्र और पांडव पुत्र। लेकिन अर्जुन के मन में भेद नहीं, दोनों ही कुरुवंशी है, ये अर्जुन की ऊंचाई है, सब मेरे हैं। इसलिए दोनों सेनाओं को, उभयो दोनों सेनाओं को देखकर वो क्या देख रहा है, सभी तो मेरे हैं। इस युद्ध का जो भी परिणाम हो कुरुवंश को ही हानि होने वाली है, कुरुवंश के योद्धा इस युद्ध में उनका नाश होने वाला है। और कुरुवंश का नाश होना ये मेरा ही नुकसान है। यहाँ पर बहुत सुंदर गीता के उपदेश का प्रारंभ, अर्जुन के मन में विचार, और ये विचार आने के कारण दोनों ही सेना में स्थित हुए। पितृन तत्र पश्यत स्थितान पार्थ, तत्र उन दोनों ही सेनाओं में, उभयों का अर्थ दोनों सेनायों सेनाओं में स्थित हुए क्या देख रहा अर्जुन। पितृन पितामहान आचार्यान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीन ससुरान सुरद सबको देख, अपश्यत एव अपश्यत, ये सभी को देख रहा। उसे देखना क्या चाहिए था, शत्रु पक्ष में कितनी शक्ति है, मुझे जिनके साथ युद्ध करना है वह युद्ध करने योग्य है कि नहीं, क्योंकि वीर अर्जुन दुर्बल सैनिक से युद्ध नहीं करेगा। इसलिए सेनयोर उभयो मध्य, अभी अर्जुन को वहां पर कोई शत्रु नहीं दिखाई दे रहा, सामने पक्ष में और अपने पक्ष दोनों पक्ष में कुरुवंशी है, और कुरुवंश के सभी सदस्य को अपना ही समझा हुआ है। और इसलिए बहुत सुंदर पितृनथ पितृन अथ, पितृन का अर्थ पिता के भाई, पिता पक्ष चाचा ताऊ हम लोग कहते हैं, तो वहां पर सामने पक्ष में पितृनथम में पिता के बड़े भाई पिता के समान कौन है, भूरिश्रवा सामने खड़े हुए, भूरिश्रवा देख रहा है। पितामह तत्र पश्यत, अर्जुन क्या देख रहा है उसका वर्णन संजय धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। पितृन अथ पितामहान पितामह भीष्म सोमदत्त दादा जिसको कहते हैं उनको देख रहा, पितामह पिता के पिता आचार्यान दोनों आचार्य कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों कुलगुरु थे और विद्या सिखाने वाले, जिनसे विद्या प्राप्त की है वह विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये आचार्यान। मातुलान मातृपक्ष मामा पक्ष, मामा पक्ष के चार योद्धाओं को अपने पक्ष में और सामने पक्ष में देख रहे हैं। वह चार मामा पक्ष के योद्धाओं के नाम पुरुजित कुंती भोज, ये दोनों अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे, ये पुरुजित और कुंती भोज। शैल्य और शकुनी, शकुनी भी मामा क्योंकि गांधारी रिश्ता था, धृतराष्ट्र के साथ रिश्ता था और गांधारी को माँ समझकर ही पांडवों का रिश्ता रहा हुआ, इसलिए गांधारी का भाई शकुनी ये भी मामा है। ये चार नाम दिए शल्य, ये चार मामा देख रहे हैं, इसलिए मातुलान भ्रातृन भ्रातृन सभी भाइयों को देख रहा है सामने, चचेरे भाई कजन ब्रदर्स भ्रातृन, माता पिता दोनों के कारण रिश्ता वह देख रहा है। भ्रातृन पुत्रान पुत्र भी थे वहां पर, अपने पुत्र द्रौपदी पुत्र द्रौपदी के पुत्र सामने पक्ष में भी, दुर्योधन के पुत्र
चचेरे भाई के पुत्र है, उसको पिता के समान ही दृष्टि होती है। वह भ्रातृन पुत्रान पौत्रान, पुत्र के भी पौत्र, ग्रैंड चिल्ड्रन, पुत्र के भी पुत्र, उनको भी देख रहा है, सब लड़ने आए हुए। सखीम स्तता, सखीम मित्र, कई सारे मित्र थे वहां पर, जिनसे पहले मित्र का रिश्ता था, वो भी देख रहा है, वो भी खड़े हुए। सखीम स्वसुरान, स्वसुरान ससुराल पक्ष में द्रुपद राजा है, शैब्य अपने चचेरे भाई के ससुर को भी उस समय उतना ही सम्मान देते थे पिता के समान। ससुरान पौत्रान सुरदश्चैव, और हित चाहने वाले ऐसे भी कई राजा इस पक्ष उस रणभूमि पर खड़े हुए हैं, इन सबको देख रहा। ससुरान सुरदश्चैव सेन योरु भयोरपि अपश्यत, अपश्यतकार से देखा, सुरद को भी एव अपश्यत, सभी को देखा है। यहाँ पर खड़े हुए युद्ध में लड़ने के लिए दोनों पक्ष में अर्जुन को अभी कोई शत्रु नहीं दिखाई दे रहा, कुरु वंश के दिखाई दे रहे। इसलिए आगे वाले श्लोक में तान समीक्षा कौन थे, इसका परिणाम आगे वाले श्लोक में बहुत सुंदर अर्जुन के मन में जो कुछ निर्णय जो युद्ध का लिया हुआ था न युद्ध, वह स्थिति पर पहुंच रहे हैं और मोह खड़ा हो गया, क्योंकि रणभूमि पर मिलिट्री में दो ही रिश्ता है, मेरा पक्ष और शत्रु पक्ष, वहां रिश्ते का प्रश्न ही नहीं है, कौन रिश्ता कौन सा, एक ही रिश्ता है, फॉर एंड अगेंस्ट, फाइट फॉर और फॉर अगेंस्ट, ये रिश्ता। तान समीक्षीय सकौंतेय कृपया पर्यावेष्टो विषिदन निदम अब्रवीत, तो इस श्लोक हम लोग फिर देख लें। बहुत आगे अर्जुन के मुख से निकले हुए वचन भी है, अर्जुन इस समय कुंती पुत्र करुणा से, कृपया करुणा, करुणा से भर गया हुआ, सामने रिश्तेदार को देखकर करुणा से भर गया हुआ। अर्जुन के मन में कुरुवंश के प्रति कितनी ऊंचाई थी, मेरे वंश के ही ये सब योद्धा नहीं रहेंगे और उसका मैं कारण बन जाऊं, अभी शत्रु है नहीं कोई, कुरुवंश है सब, इसलिए शोक करता। विषीदन, यहां से शोक की शुरुआत, विषीदन, मेरे पिता है, मेरे पितृ है, मेरे मित्र है, ससुर है, आदि सब रिश्ते यहाँ पर अर्जुन को दिखाई दे रहे, शत्रु की, शत्रु शब्द ही वहां पर अर्जुन को नहीं समझ में आता। इसलिए तान समीक्ष, इन खड़े हुए संपूर्ण बंधुन समीक्ष देखकर, बंधुन का अर्थ बंधे हुए रिश्ते से, मित्रता का रिश्ता या पारिवारिक रिश्ते से, उसे बंधुन समीक्ष देखकर वह कृपया आविष्ट, करुणा से कृपा का पात्र बन गया, वह शोक करता हुआ, कृपा का पात्र यानी कि मन में ये विचार है, मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं अभी, भगवान मैंने जो युद्ध करने का निर्णय लिया था उससे मुझे, मैं च्युत हुआ हूं और आप अच्युत है, मुझे रास्ता बताइए, युद्ध करना योग्य है या युद्ध नहीं करना योग्य है, क्योंकि मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूं, मेरे ही पारिवारिक लोगों की हत्या करने के लिए मैं तैयार हूं, गुरु की हत्या करनी पड़ेगी, और इस संपूर्ण युद्ध का परिणाम एक ही होगा, कुरुवंश का नाश हो जाएगा। ये अर्जुन की बहुत सुंदर यहाँ पर भूमिका है वह, तो आगे वाले श्लोक गाएंगे फिर से। अर्जुन हुआ जो अर्जुन के मुख से आठ परिणाम दिख रहे हैं, ये सब रिश्तों को देखकर, रिश्तों का वर्णन सुनकर अर्जुन के मन में विचार, विचार जो युद्ध करने के थे वो बदल कर उसके कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। और एक कारण भी यह भी है, धृतराष्ट्र ने जो पहले शांति दूत बनकर संजय को भेजा हुआ था उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, करुणा से युक्त, करुणा का अर्थ रोना, कृपा का पात्र बनना, कृपया
तो श्लोक साथ में गाएंगे अर्जुन की वाणी में, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, और अर्जुन का क्या परिवर्तन है। यहाँ पर आठ इसका परिणाम दिखाई दे रहा है और भगवान के सामने कहा हुआ है, और अर्जुन ने भी कृष्ण को इस समय कृष्ण कहकर ही पुकारा हुआ। ये कृष्ण नाम अत्यंत अर्जुन को प्रिय था, इसलिए गीता में भगवान नाम भी है, केशव नाम भी है, कृष्ण के कई नाम है, लेकिन एक नाम विशिष्ट प्रिय होने के कारण 9 बार कृष्ण कहकर पुकारा हुआ। संजय ने भी अंत में यत्र योगेश्वर कृष्ण, यहाँ पर वह कृष्ण नाम से स्वजनम कृष्ण वह शब्द का प्रयोग किया हो। तो 28, 29 और 30 हम पहले गाएंगे, और इसके पीछे छिपा हुआ बहुत सुंदर मार्गदर्शन जो है वह अभ्यास के रूप में देखेंगे। मेरे साथ पार्टिसिपेंट भी सब गा सकते हैं, गाना चाहिए। ये हमारा इस तरह का आयोजन के पीछे, क्योंकि फिजिकल मिलना शक्य नहीं है, लेकिन मन से हम लोग एक हो सकते हैं और उसे कोई रोक नहीं सकता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांधीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदयते न च शक्नो म्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः ब्रह्मतीव च मे मनः दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण, स्वजन है मेरे ही जन सब, और युद्ध भूमि पर मेरा पक्ष में मेरे होते हैं, सामने पक्ष में शत्रु होते हैं। यहाँ पर स्वजन मेरे ही स्वजन है, स्वजन यह अर्जुन का पारिवारिक प्रेम, यहाँ पर वंश के लिए प्रेम कितना है। दृष्ट्वेम हम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, मैं देख रहा हूँ ये सब, और जिसके कारण इन सबको देखकर सीदन्ति मम गात्राणि, सीदन्ति प्रथम परिणाम मेरे सभी अंग गात्राणि सीदन्ति शिथिल हो गए, ढीले हो गए। मिलिट्री में मजबूत योद्धा को लड़ने के लिए कठोर होना पड़ता है, दया के पात्र नहीं बना। बंदूक चलानी आज के युग में कैसे चलाएंगे, मजबूत हाथ नहीं होंगे, मजबूत कंधे नहीं होंगे, तो इसलिए सीजन थी मेरे अंग हाथ पैर सभी अंग ढीला हो गया शिथिल। दूसरा परिणाम मुखम परिशुष्यति, मुखई च परिशुष्यति, और मेरा मुख च का अर्थ और, मुखम परिशुष्यति मेरा मुख सूख जा रहा है, सूखा जा रहा है, जल तत्व का भाव सूख गया, जीभ सूख गई है, आंखों में पानी सूख गया हुआ, जल का बहुत बड़ा हमारे शरीर पर महत्व है, सूख गया सूखा हुआ, जैसे सूखा हुआ पेड़, वैसे ही अर्जुन कह रहा मेरे शरीर के सभी अंग ढीले हो गए हैं, और मुखई क्या परिशुष्यति मेरा मुख भी सूखा जाता, वाणी भी मुख कष्टदायक लगती है। तीसरा परिणाम वे पथुश्च शरीर में
रोम हर्षस्य जायते, वे पथुश्च शरीर में कंपन हो रहा, कांप रहा हूं मैं, कंपन दो समय पर होता है, दो प्रसंग, एक अत्यंत हर्ष में और एक अत्यंत शोक में। अर्जुन के मन में शोक विषाद कंपन हो रहा, कांप रहा हूं मैं, भगवान ये तीसरा परिणाम शरीर कांप रहा है और रोम हर्ष जायते, रोमांच रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। आगे वाले श्लोक में गांडीवम स्रव सते हस्तात, मेरे हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है, मैं उसको ठीक तरह से पकड़ नहीं सक रहा हूं, कब गिर जाएगा, लड़ेगा कैसे, जो शस्त्र है उसको भी ठीक तरह से पकड़ेगा नहीं तो उससे शत्रु पर प्रहार कैसे करेगा। हाथ से हस्तात गांडीवम, गांडीव धनुष गिरता है और त्वक एव परिदह्यते, मेरी चमड़ी त्वचा जल रही है, जलन हो रही है। ऐसी परिस्थिति देखने पर अर्जुन पर क्या परिणाम आया होगा, ये मोह का परिणाम है, मेरी त्वचा भी बहुत जलती है तथा मन भ्रमति, मेरा मन भ्रमित हो गया, अभी जो निर्णय था उस पर मुझे भ्रम खड़ा हो गया, मैंने सही निर्णय लिया है या नहीं इस युद्ध करने के लिए, भ्रमित और अवस्था तुम न शक्नो भी, मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं, अभी जो खड़ा नहीं रहेगा सैनिक वो लड़ेगा कैसे। वह भूमिका ये आठ परिणाम का वर्णन है श्लोक के द्वारा, थोड़ा रिकैप कर ले, सीदंती मम गात्राणी मुखई च परिशुष्यति, वे पथुश्च शरीरे में, वे पथु कंपन, रोम हर्षस जाए थे रोंगटे खड़े हो गए, गांडीव धनुष गिर रहा है, चमड़ी त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो गया है और मैं ज्यादा समय तक खड़ा भी नहीं रह सकूंगा। ये भगवान के सामने यहाँ पर अर्जुन अपनी स्थिति भगवान को कह रहे हैं, भगवान ये मेरी स्थिति है, अभी दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हुआ है और सामने पक्ष और अपने पक्ष दोनों को देखकर सभी को अपने स्वजन समीक्षा देख रहा है, यहाँ पर दूसरा पराया कोई है ही नहीं, सब मेरे, किसे लड़ना मुझे। और फिर आगे वाले श्लोक में निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, अगले श्लोक में एक और नहीं लड़ने का कारण भगवान के सामने अर्जुन रख रहा है, मुझे सब स्वजन है, कोई शत्रु मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सभी मेरे वंश के हैं और वंश मेरे वंश को मारने के लिए मुझे, मेरा मन भ्रमित हो गया हुआ, तो नहीं कर सकूंगा, बाबा गांडी गिर रहा है, आठ परिणाम दिखा दिए, और एक मिलिट्री का व्यक्ति भी शकुन की बात कर रहा है, ज्यादातर व्यापारी लोग हम लोग शकुन दिखते हैं, मुर्द देख कर जाओ, लेकिन ये तो युद्ध भूमि है, हाथ में मृत्यु लेकर ही जाना है, किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, वैसी कठोर स्थिति में अर्जुन द्रवित होकर करुणा के कारण ये सब परिणाम आए हुए हैं और उसकी वाणी में भी उसका प्रभाव। अगला श्लोक भगवान के सामने बहुत सुंदर लक्षण निमित्तान, ये सब लक्षण जो है वह सब मुझे कुछ विपरीत संकेत कर रहे हैं। तो पहले अर्जुन की भाषा में 31 और 32वां श्लोक देखेंगे। साथ में भी गाते जाएंगे 31 और 32वां श्लोक। अर्जुन के मन में जो भ्रमण और भ्रमित एक विचारधारा मोह के कारण खड़ी हुई है और उनकी वाणी में भी कैसा बदलाव आ गया हुआ है, शत्रु पर आक्रमण करने की जगह अभी शकुन की बात छेड़ रहा है भगवान के सामने, मुझे शकुन सब दिख रहे हैं संकेत। अर्जुन उवाच निमित्त
तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्ये न गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा किं भोगै जीवितेन वा निमित्तानि च पश्यामि भगवान। ये सब शकुन साधारणतः हमारी पुरुषों की बाई आंख बाया कंधा में कुछ कंपन आ जाए तो समझिए कुछ विपरीत संकेत है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। और कुछ शकुन है दाहिनी आंख दाहिना कंधा उसमें कुछ बदलाव आए तब समझ लीजिए शुभ शकुन कुछ अच्छा होने वाला। वैसी मान्यता यहाँ पर एक मिलिट्री में खड़ा हुआ योद्धा भगवान के सामने रख रहा है। निमित्तानि च पश्यामि ये सब संकेत, मेरे हाथ से धनुष गिर जाना, अब शुकन है ये कैसे गिर गया। आज हम भी पूजा विधि में जाते तब हाथ से पूजन विधि का कोई भी थाली या बर्तन जो भी गिर जाए तो अब शुकन कहते हैं हाथ से गिर गया ये। शरीर कांप रहा, मन भ्रमित, खड़ा होना भी कठिन हो रहा, ये सब निमित्तानि, ये सब लक्षणों को भी विपरीतानि पश्यामि, विपरीत लक्षण है ये। मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए वैसे ये लक्षण मुझे समझा रहे। और युद्ध में स्वजनम हत्वा उसका कारण बता रहे, ये विपरीत लक्षण क्यों है, क्योंकि मैं स्वजनों को मारने के लिए यह तैयार हो गया हूँ। स्वजनम हत्वा और स्वजनों को मारकर श्रेय न अनुपश्यामी, मैं कल्याण मेरा श्रेय नहीं देख रहा हूँ। हस्तिनापुर का राज्य मिल जाए ये प्रेय हो सकता है लेकिन वह श्रेय नहीं है। प्रेय और श्रेय, श्रेय का अर्थ कल्याण, इस जन्म में भी कल्याण नहीं देख रहा हूँ और अगले जन्म में भी इस युद्ध करके मेरा कल्याण नहीं देख रहा हूँ। श्रेय भी न अनुपश्यामी नहीं देखता भगवान, मुझे लिख रहा कि यहाँ पर भी युद्ध में यदि हस्तिनापुर का राज्य विजय के रूप में आ जाए या फिर परलोक में स्वर्गलोक में जाकर भी मुझे कुछ सुख मिल जाए, ये दोनों को नहीं देख रहा हूँ। श्रेय, प्रेय और श्रेय, ये दो बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग है। श्रेय भगवान मैं नहीं देख रहा हूँ, फिर अर्जुन भगवान के सामने तीन बातें मुझे नहीं चाहिए, न कांक्षे विजयम कृष्ण, युद्ध करके तीन परिणाम आएंगे। प्रथम परिणाम विजय, जीतने के लिए तो सब जाते हैं, खेल में भी कोई हारने के लिए जाता ही नहीं है, तो तीन बातों के लिए युद्ध होता है। एक प्रथम विजय, राज्य और सुख। सभी जितने महान युद्ध हुए हैं इसके तीन मुख्य कारण। प्रथम कारण विजय, मुझे जीतना, यदि हार निश्चित हो तो कोई रणभूमि पर जाएगा क्या, भाग जाएगा, और भागने वाले प्राय पराजय के कारण ही भागते हैं, मैं लड़ नहीं सकूंगा। विजय, सुख और राज्य, हस्तिनापुर का राज्य, ये तीनों बातों के लिए तो युद्ध होता है। ये तीन बातों के पीछे दो महत्व की बात है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। जो चाहिए वह मिल जाए, क्या मिलेगा, चाहिए राज्य, चाहिए भोग, चाहिए सुख, चाहिए विजय, चाहिए, ये तीन बातों के लिए तो युद्ध होता है।
यानी इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, अनिष्ट कुछ अनिष्ट कौरव पक्ष ने हमारे साथ अधर्म अनिति ये जो किया हो उससे निवृत्ति लेनी, उसको खत्म करना। ये अर्जुन का बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान के सामने युद्ध किस कारण होता है, न राज्य न किम नो राज्य न गोविंद, इष्ट की प्राप्ति के लिए दो विशेष बातें होती है, एक तो संग्रह करना और सुख भोग की इच्छा, संग्रह करने की इच्छा, आई वॉन्ट मोर एंड मोर, संग्रहखोरी एक बहुत बड़ा अपराध है, ये ज्यादा मुनाफा के लिए संग्रह करना, कल नहीं मिले तो उसकी आज व्यवस्था करना, वह संग्रह, इसे कहा जाता है लोभ। और सुख भोग की इच्छा काम, उसे काम कहते हैं, अनिष्ट से निवृत्ति, मुझे नहीं चाहिए वैसे लोग सामने खड़े हुए, इसके कारण जो परिणाम होता है उसे क्रोध का हो, उसमें बाधा पड़ रही है, हस्तिनापुर का आधा राज्य चाहिए, वह अनिष्ट नहीं दे रहे हैं इसलिए उन पर क्रोध। ये काम के ही तीन स्वरूप है, लोभ और क्रोध, ये इसके कारण ही युद्ध। तो युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्रोध सफल बनाना और लोभ की पूर्ति के लिए, अभी अर्जुन के मन में दोनों ही नहीं है, इसलिए मुझे भगवान राज्य ही नहीं चाहिए, राज्य का लोभ नहीं है और क्रोध भी मेरा, क्योंकि मेरे जन है उस पर क्या क्रोध करूंगा, ये दोनों के लिए युद्ध होता है, वह दोनों ही कारण मेरे साथ में नहीं है, मेरी युद्ध करने की जो इच्छा लेकर आया था, तैयार होकर आया था, वह प्रेरणा ही समाप्त हो गई। किम नो राज्य न गोविंद, और कृष्ण इसलिए कहा हुआ गोविंद, आप भी पारिवारिक है, कृष्ण भी पारिवारिक यदुवंश, तो आप ये मेरी समस्या को समझ सकते हैं। गोविंद, हे गोविंद, किम भोगैर जीवितेन वा, ये अथवा इसका क्या प्रयोजन राज्य से, क्यों, क्योंकि जिनके लिए, जिनके साथ ये राज्य विजय और सुख मिलने वाला, वह तो मेरे साथ नहीं रहेंगे, युद्ध में समाप्त हो जाएंगे। तीन मुख्य कारण, राज्य, सुख और विजय, जब तीनों में से कुछ भी मिलता है तब अपने संबंधी रिश्तेदार पारिवारिक लोगों के सामने वो शेयर करने जाते हैं, ये हमारा विजय है, ये हमारा सुख है, हमारा राज्य है, वह भूमिका है, वह तीनों मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके लिए मैं ये युद्ध करूंगा वही यहां पर इस भूमि पर जीविते न किम, इन भोगों से और जीवन से क्या प्रयोजन, वैसा जीवन क्या करूंगा। अर्जुन यहाँ पर ये सभी को छोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन ये तो मिलेगा, क्या मिलेगा, राज्य, सुख मिलेगा या विजय मिलेगा, तीन बात तो हो सकती है, तीनों का मुझे अभी आकर्षण, उसकी आवश्यकता नहीं दिखती है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, वह है मेरे पारिवारिक कुरुवंश, इतने लोगों की मृत्यु तभी शक्य है, मुझे होना चाहिए। और सुंदर सुंदर भूमिका के साथ आज हमारा समय भी कुछ संकेत कर रहा है, एक सुख और देख लें तो आज हमारा ये बहुत ही सुंदर एक विशिष्ट भूमिका पर पहुंचे हुए अर्जुन का परिचय हो जाएगा, इसलिए अर्जुन किस तरह से भगवान के सामने एक एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रख रहा है, भगवान आप ही बताइए मुझे करना चाहिए क्या, यानी कि भगवान आपके मुख से मैं जो चाहता हूँ वह सुनना चाहता हूँ। तो 33वां श्लोक देखकर, संक्षेप में अर्थ देकर आज का समय हमारा पूरा हो रहा अभ्यास का। अर्जुन उवाच,
येषां अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे वस्तिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च परिवार का प्रेम कितना अर्जुन का है, मेरे कुल का नाश हो जाएगा, मेरे वंश के कितने सारे योद्धाओं जिनके साथ मेरा विशिष्ट संबंध है, लव का संबंध है, वो सब इस युद्ध में समाप्त हो जाएंगे। पारिवारिक प्रेम, फैमिली वेलफेयर, ये भाषा इसका अर्थ है। ये शाम जिनके लिए, क्योंकि इनके लिए ही तो मुझे राज्य चाहिए, विजय चाहिए और सुख चाहिए, जिनके लिए मुझे ये चाहिए वही नहीं रहेंगे, ये प्रथम कारण युद्ध न करने का। जिनके लिए राज्य भोग और सुख कांक्षितम आकांक्षा रखता था मैं, इनके साथ शेयर करना था, आपके साथ मिलकर बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और यही सब जिनके लिए मुझे चाहिए था राज्य भोग और सुख, वही वह धन और प्राण की आशा त्यक्त्वा छोड़कर युद्धे अवस्थिता सामने युद्ध में खड़े हुए, प्राण त्याग करने के लिए तैयार। और अर्जुन को मारने का डर है, मरने का डर नहीं है, मेरे हाथ से उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, और उनके लिए ही तो मुझे ये चाहिए था, वही नहीं रहेंगे, तो भगवान ये मुझे क्या काम का, न कांक्षे विजय, मुझे विजय नहीं चाहिए, इसकी बहुत बड़ी कीमत है, स्वजन को खोना वह मुझे मान्य नहीं है। आगे वाले श्लोक अर्जुन का ये विषाद, आगे वाले श्लोक में भी आचार्यान पितरः पुत्रान तथैव च पितामह, बार बार इस यहाँ पर अर्जुन भगवान के सामने ये स्वजन का वर्णन कर रहे हैं। आज हमारा समय भी पूरा हो गया, तो आज ये अंतिम श्लोक फिर से रिपीट करके जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके आज का समाप्ति करेंगे। अर्जुन उवाच येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे वस्तिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च अगले रविवार को फिर आ जाएंगे आगे वाले श्लोक में, सोशल वर्कर की भूमिका, पारिवारिक प्रेम और इस युद्ध के परिणाम, अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले अर्जुन भगवान को समझा रहे हैं, भगवान आप जानते हैं क्या परिणाम आएगा, ये चार बहुत परिणाम जो आज भी 2020 में भी वह परिणाम हमारे सामने है, 5000 साल पूर्व अर्जुन ने प्रेडिक्शन किया हुआ, ये परिणाम आएगा वो आज दिखता है। ये गीता का ग्रंथ सर्वकालीन है, ये उस समय रणभूमि पर इसकी जितनी आवश्यकता थी उससे कई गुनी आवश्यकता आज के युग में विशेष रूप से है, और ये पठन करने वाले अभ्यास करने पर भगवान एक प्रेम दृष्टि से देख रहे हैं, ये मेरे लाडले बेटे हैं, ले जाएंगे ग्रंथ, व्यापक बनाएंगे, विष्णु का अर्थ ही व्यापक, इसलिए तो भारत में मैं आया था कि वो भारतीय व्यापक दृष्टिकोण, उनकी संकुचित दृष्टि नहीं है, संकुचित दृष्टि गीता को मान्य नहीं, वह भूमिका लेकर अगली बार फिर आ जाएंगे। आज जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके
और विशेष रूप से इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण भी हम लोग एक साथ एक मन कर ये महान ग्रंथ को नमस्कार करके अभ्यास कर रहे हैं। ये भी अपने आप में ही एक विशिष्ट जगत गुरु की कृपा है। आज यहाँ जगत गुरु गुरु को नमस्कार करके पूरा करेंगे। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणु रमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री